शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस हफ्ते की खबरें और कम्युनिटी की सियासी समाजी सरगर्मियों पर मबनी ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम को दिल अपना पाकिस्तान ने वैंकूवर वीक के नाम से मुतारफ करवाया है। नाज़रीन, वैंकूवर वीक में हम आपको यहाँ की सियासी समाजी और दीनी जो सरगर्मियाँ हुआ करेंगी वैंकूवर कनाडा बीसी में, बीसी कनाडा में जो भी सरगर्मियाँ हुआ करेंगी हम उसका अहवाल आपको दिखाएंगे। तो इस प्रोग्राम के इस हिस्से में पिछले वीकेंड पे और लास्ट वीक में जो भी सरगर्मियाँ हुई हैं हम उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले कश्मीर डे का जिक्र करेंगे। कश्मीर डे के बारे में एक वेबिनार हुआ और उसके बाद फिर रैली का एहतमाम हुआ। 27 अक्टूबर जो है वो एक ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें इंडिया ने कश्मीरियों के हकूक को सल्ब किया और उसमें दुनिया भर के तंजीमें जो हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं। इसमें पाकिस्तान के भी लोगों ने वैंकूवर बीसी में इसमें हिस्सा लिया। हम इसकी आपको तफसील भी दिखाएंगे और कुछ लोगों के इंटरव्यू भी दिखाएंगे। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि वैंकूवर के होने वाले प्रोग्रामों में शौकत खान, जिन्होंने यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली के लिए रन किया था, उन्होंने एक एप्रिसिएशन डिनर किया अपने लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया था, अपने सपोर्टर्स के लिए। और मिस्टर माइकल ली जो बीसी लिबरल के लिए रन कर रहे हैं अपने इलेक्शन के लिए, वो काफ़ी सरगर्दां थे हैं और वो आ भी रहे, वो उन्होंने भी वहाँ पे एक तकरीर की और बीसी लिबरल इज अनदर ऑप्शन फॉर द पीपल ऑफ बीसी। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपसे इसका अगर जिक्र ना करेंगे कि देयर इज ऑलवेज अ थर्ड ऑप्शन, तो कनाडा में एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर एक पार्टी सेंट्रिस्ट पार्टी जो कि सेंटर में अपने आप को समझती है कि उनकी पॉलिसीज जो हैं वो किसी भी ना लेफ्ट की होंगी ना राइट की होंगी, सिर्फ सेंटर की पॉलिसीज होंगी। और उसमें डॉक्टर राणा साहब जो हैं उन्होंने वैंकूवर का विजिट किया, हम उनकी भी उनके लंच में मौजूद थे तो हमने उनका भी कुछ कवरेज की है, तो ज़रूर हम उसको दिखाएंगे कि सेंटर्स पार्टी जो कनाडा में एक नई पार्टी के तौर पर उभर रही है। जी उस पार्टी के उहदेदारान ने उसमें हिस्सा लिया, अब वहाँ पे मौजूद थे और कुछ उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, हर पार्टी के या हर कम्युनिटी के ग्रास रूट में कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो पसे पर्दा रहकर काम करते हैं। इसमें हमारे कम्युनिटी के एक कारकुन जो कि हमेशा बिलॉस खिदमत करते हैं, उनमें अमीन खान का जिक्र करना बहुत ज़रूरी होगा। अमीन खान जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान डे हो, कनाडा डे हो या कोई भी ऐसा दिन हो जिससे कि वो अपनी शनाख्त जो है वो कैनेडियन सोसाइटी में दिखाते रहें, तो अमीन खान ने भी एक डिनर का इंतज़ाम किया था। तो इस प्रोग्राम में को हमने चार हिस्सों में तकसीम किया है, तो देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। अपने उन नाज़रीन को जो दिवाली मनाते हैं उनको दिवाली की खुशियों में बहुत बहुत बधाइयाँ। दिवाली एक लाइटिंग का त्यौहार है जो कि हिंदू और सिख कम्युनिटी बहुत शौक से मनाती है, और दिल अपना पाकिस्तान अपने नाज़रीन को इस दिवाली की खुशियों में ढेर सारी खुशियां, कामनाएं, मोहब्बतें पेश करता है। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। आज बात हो रही है पाकिस्तान के बारे में। जी बिल्कुल, तो मैं थोड़ी सी जन्म शरफ की भी बात करूंगा। जन्म शरफ उस वक्त जब वो छोड़ के गए थे, जब वो कह गए थे, इस उस वक्त पाकिस्तान यूं जा रहा था। जी बिल्कुल, पाकिस्तान यूं जा रहा था, हर बंदे के पास, हर बंदा खुश था, रोजगार भी था, तो नेचुरली पाकिस्तान एक बड़ी स्टेबल पोजीशन में उस वक्त था। ये नहीं मैं कहूँगा कि आज स्टेबल पोजीशन में नहीं है, लेकिन उस वक्त के हालात के मुताबिक पाकिस्तान वाज़ वेरी वेरी स्टेबल पोजीशन।
और उसके बाद ठीक है अप्स एंड डाउन आए हैं, लेकिन मैं ये पाकिस्तान ये देख रहे हैं कैनेडा के अंदर भी ये पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, ठीक है, हमें अपने वतन से प्यार है, हम जहां भी कहीं हैं हम पाकिस्तान की बात करेंगे, यहां भी बल्कि लोगों को हम यही कहते हैं कि जब पाकिस्तान जो है एक इट्स अ ग्रेट कंट्री स्पेशली विद दिस सी Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. नाज़रीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, आज यहाँ पे कश्मीर रैली हो रही है, आइए हम आपको कश्मीर रैली की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस लेते हैं, देखते रहिए वैंकूवर की जान। जी नाज़रीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, आज यहाँ पे कश्मीर रैली जो हो रही है, कश्मीर स्टैंड अप अगेंस्ट फैशिज़म, और ये यहाँ पे यहाँ के लोकल कनाडा के लोअर मेनलैंड के लोकल ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पे बहुत अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ उन्होंने, कि वो दुनिया की नज़र में इंडिया की बहुत बड़ी जो डेमोक्रेसी है उसको वो दिखा सकें, वैल्यू ह्यूमन लाइफ, स्टॉप द जेनोसाइड, सो देयर पीपल आर हियर, दे आर प्रोटेस्टिंग इन अ बिग टाइम हियर, so we are Dil Apna Pakistan is covering these people and Pakistani community and other Canadian community is involved here just to let the world know that Kashmir is bleeding, stand up with Kashmir, it's a silent genocide is happening in Kashmir and people want to say their feelings. Yeah, I want to talk to the gentleman here that you want to talk about is the Harry here? Harry, come on man. Harry is a really long time he supports the humanity. Harry, you want to say something? Go ahead. Well, I just learned about this rally yesterday. I came out. I really oppose what India is doing in Kashmir. The Hindu supremacy idea is wrong. They love to let everyone, whatever your religion, you should have the right to have your religion, stand up, and Kashmir should be free. Kashmir should be free. And this genocide is happening all over. अब जनाब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को वो मंजिल मिले जो सारी दुनिया के आज़ाद लोगों को मिली है, उनको भी कौमी आज़ादी मिले, उनको भी अपनी रियासत मिले, उनको भी अपनी मर्जी के इजहार का हक मिले, फ्रेजर वैली पीस काउंसिल उनके साथ है। उस तो अलावा उन्होंने इंटरनेट बंद करता, उत्थे जो बच्चे है बच्चों चुक के कंसंट्रेशन कैंपा च पा देते, बच्चे जिम्मे इतने जो फर्स्ट नेशन के बच्चे चुक ले उस तरह कश्मीर च हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, तुसी कोई दसना चाहोगे कश्मीर के बारे च की हो रहा उत्थे, या थानू इनफॉरमेशन दे रहे भाई साहब, थानू अंदाजा कि उत्थे टेलीफोन सर्विस बंद की है, उत्थे कर्फ्यू लाया होया, लोगों नू बहुत मुसीबत कीती हुई है इंडिया गवर्नमेंट ने, जैसे इतने सामने खड़े हैं इंडियन पासपोर्ट ऑफिस के सामने इतने खड़े हैं कैंपेन वास्ते, इहदा एंड ही है जी, जिवें हुण सारे थां ये मोदी सरकार धक्का कर रही है। या बिल्कुल, कोई भी देश दे विच स्टेट ऐसी नहीं जिथे नहीं ये धक्का कर रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, इस धक्के का हाल दसो की हो सकता है।
ਧੱਕਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹੀ ਆਣਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੇਰ ਸਹਿਲ ਆਪ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਦ ਵਰਲਡ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਮੰਥਸ ਦ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਆਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਂਡ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮ ਯਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਇਹ 90% ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਡ ਚਲਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਿਤਨੀ ਗਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਵੋ ਰੁਕ ਕਰਕੇ ਹਾਰਨ ਬਜਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇ ਆਰ ਐਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਜੋ ਅਕੋਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਮਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਸਕੋ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਜੀਏ ਵੋ ਟੋਟਲੀ ਇਸ ਫੇਵਰ ਮੇਂ ਹੈ ਵੋ ਟੋਟਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਓਂ ਕੇ ਫੇਵਰ ਮੇਂ ਹੈ ਸੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹਮ ਹਮਾਰੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਕੋ ਅੰਡਰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਓਂ ਕੇ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਹੈ ਉਸਕੋ ਸਲਬ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਕੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਉਸਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਨੇਬਰਸ ਹੈ ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਏਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾ ਤੋ ਵੋ ਟੇਬਲ ਪੇ ਆ ਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋ ਜੋ ਕਹਾ ਥਾ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋ ਮੈਂਡੇਟ ਕੋ ਪਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਲੋਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ ਵੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜੇਲੋ ਮੇ ਬੰਦ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਵੀਰ ਹੇਅਰ ਫੋਰ ਬਲੈਕ ਡੇ ਫੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦੇਵ ਬਿਨ ਸਫਰਿੰਗ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰ ਸੈਲਵ ਵੀ ਮਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟੈਲ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ with occupied with the forces you are in the media and you have lots of news you have covered in your media as well do you want to say about this open prison which is right now in Kashmir the people are really slave to the fascism we are all here together for the Black Day for Kashmir and we just want to show them like we are as a Pakistani brothers as a Pakistani Canadian we are with them so we are here for every single person and we are here for especially for our Kashmiri brothers sisters well good evening everyone I wanted to thank Shaukat and the rest of the team for inviting me to join you on this very important evening I know it's been a very long time that we've waited for this opportunity to thank all of the volunteers, the supporters, the donors, and community members who supported Shaukat in such an important race. And as I spoke to a few of you, there were lots of learnings from this snap election. Very difficult to run an election campaign in the middle of a pandemic. We're all trying to stay safe and healthy, and that's most important. But Shaukat's voice came out, and I hear from some of the other speakers tonight. I feel this in the room when I come and meet with other members of the community, the tremendous respect and love that you have for each other and as a community. It takes a community to elect good people like Shaukat Khan. And you have all learned from this process. Who have been successful in running for other levels of political office, which is very important, federally, provincially, and municipally. I just finished yesterday driving across this province with my wife, 15,000 kilometers over 2 months, in effect.
But we should all have the opportunity to see the beautiful province that we live in at a tough time. But it's the effort. If you're clapping the effort, I appreciate that. We all have to work hard for our community. But we also need to work hard to restore trust with our party, restore trust with our government. That is a core theme of my campaign. The other thing I will say is this, I have five core values for the rebuild of this party. Accountability, compassion, community, integrity, and inclusivity. That fifth core value of inclusivity, I know you all recognize. I spoke about it earlier, briefly. But I've taken a very strong stand for the future of this party that we need to be built on that five core values, including inclusivity. That's the reason why. There is no place to have a leader running for our party who has intolerant views that are divisive to our province, to our children, to women, to people of indigenous backgrounds, indigenous peoples, and people who are ethnic minorities. I hope that we can build a very strong party to go forward. That's what I stand for. I hope that you'll consider my candidacy, but I also look forward to the future of Shawkat and this community in terms of how we embrace the effort and the work that we have to do to build a stronger community and a better province for us all. Thank you very much. Enjoy the rest of the evening. Thank you. Thank you for being here. You guys are very grateful that you are in the time and you are in this place. What I have been spent 3 years in Pakistan Cadet Association's presidency, I got a humble opportunity to connect with people at each and every level. PCA and the people who are working in the community, because of that, I was very connected to peace labor from the day one when I landed. Whenever you come to a new house, you want to find our identity, you want to find political affiliations. And when I compared all the local parties, absolutely, federal liberal and BC liberal, one of the parties where I wanted to connect with. Whatever happened with NDP in 1990s was still up in the air at that time. So I was very happily involved with BC liberal. Do not want to go in the details of what happened, that would be for some other time. BC Liberal has proven time and time over again that they open up the province for all the investments for everybody else. They are very acceptable to all parts of BC and everybody living in BC. Got an opportunity again, snap elections were called. I was really angry why that snap election has been called, like everybody else in the room. And I was talking to my friends at BC Liberal and I said, hey, you know what, I know NDP is not giving any nomination to any Muslim. You make sure that you have a nomination for Muslims, because we already have almost 100,000 Muslim population in BC. And they said, we actually, Mr. Khan, have got three people, but we don't have anybody in lower mainland, especially in Sunnyside. And we always have been asking you to put your name in the hat. So is this the time for you to really stand up for the community? And going around the community, everybody says, oh, we don't get nominations from the mainstream parties. Great opportunity. They don't miss going to be a 30-day election. The only spot, couple of spots that were left, I wanted to run from a place where it would be the most difficult riding, and that was in the riding we are standing right now. So I put my name in, very next day people told me I'm going for interview downtown, I'm seeing this, I'm seeing that, all that shebang. I mean, nobody called me, so I don't know what's going to happen. When did you send in your application? They're like, oh, last night. And they said, oh, too late, you might not get it. And talk to Akar, talk to Hayat, talk to one other person. When I was sitting in the office, my phone was buzzing like crazy. Picked up the phone, it was BC Liberal, they said, you're in. I'm like, oh, you're in, like, what? Oh, election has been called, it's in 4 days. So first thing I did, I talked to my friends, my family at PCA, told them this is what happened, and everybody was very supportive, and after that, everybody saw what happened. Hands down, very humbled. Each and every person in the community supported me in every way.
There are some people in this room, but three times of them are out of this room. So we couldn't do a big gathering because of COVID, so we inshallah will do another gathering. Very humbling opportunity, each and everybody of you sitting here and everybody who is not here, supporting me in each and every way. My main aim was to make sure that community knows that we have the support out there and we can get that support. So we're very thankful to BC Liberals. Funny thing is, when my nomination news went out, I got a call from three sitting MLAs of NDP. Shaukat Bhai, if you would have told us, we would have given you the nomination. I mean, you don't have any Muslim nominee in your caucus. And I got the nomination from where I wanted. Would you have given me a nomination in Surrey or Lower Mainland? Oh, that would be tough. We would have given you the nomination, but it would not be in Lower Mainland. So again, this is where I am, and I know people are on the fence about BC Liberal, about all the stories that they hear from those MLAs, which are not true. So inshallah, we will work on clearing that taboo of conservatism and all that stuff, which is absolutely not true. So thank you for being here. This is a gathering to say thank you to each and every one of you, and everybody calls me almost every second week. Shaukat Bhai, what is going to happen next? What can you do to support? दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज यहाँ सरे बीसी में एक पार्टी जो कि कनाडा में बिल्कुल ब्रांड न्यू पार्टी है सेंट्रिस्ट पार्टी के नाम से और इसके डॉक्टर राणा साहब टोरंटो से यहाँ पे आए हैं। आइए हम उनको वेलकम करते हैं दिल अपना पाकिस्तान में। जी डॉक्टर राणा साहब, वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान। आप यकीनन आपने कुछ सोच के ये पार्टी शुरू की है, आपकी आवाज़ बहुत लाइट आ रही थी, तो मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट आप लोगों को हमारे यहाँ पे वैंकूवर बीसी के, जहाँ पे वैसे भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम है, टोरंटो की तरह नहीं है, जहाँ पे टोरंटो में बहुत सारे एमएलए बन गए, तो आप बताइएगा कि गोल क्या है, पार्टी बनाने का मकसद क्या है? सेंट्रिस्ट पार्टी जो है वो इट इज़ टू वर्क फॉर कैनेडा, वर्क फॉर कैनेडियंस। दैट्स राइट, या वी हैव सो मेनी इश्यूज व्हिच वी नीड टू एड्रेस। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम इन दीज डेज इज आवर यूनिटी क्राइसिस इन दिस इलेक्शन व्हिच वी जस्ट फिनिश्ड ऑन 20th ऑफ सितंबर। सो वी हैड पीपल डिवाइडेड, so there were people who were right wing people, left wing people are going far, they're more and more dividing. There were people who were throwing stones on politicians, there were people who were protesting against vaccines, people were protesting against facial masks and against signs, lockdowns, right? In spite of knowing that how many people died because of COVID in Canada, overseas, especially in India, right? So people were not only regular people, but politicians were campaigning against these public health measures, right? So when a politician, when a person of some standing gives a message, people get even more confused, right? Because people had many questions about the COVID, whether it is real or not, or is it like a flu or not. Instead of educating people, telling people to have vaccinations, to keep physical distancing, to keep face masks and follow public health measures, there were politicians who were telling people not to follow these things. And also both main parties, they follow right or left wing ideology, they have divided people. So centrist party works for Canadians, not for centrist people, more committed to our country than to our party. So we want to unite people. So bring people on one platform. What would be the difference if the conservatives are saying the same thing, they are right kind of, they say right center kind of people, but how you will gain the support of the voters? You can say anything you like, right? Yeah. Even every party claims to be centrist. That's right. If you look at the conservative platform, right, they still
their MPs still are saying that there should be no mandatory vaccination for MPs when they're attending the House of Commons meetings, right? All right. So how they follow science, right? Also they were against the mandatory vaccination, right? That's of, right. of the public health servants or other people, right? So they're calling this a freedom issue. It's not a freedom issue when you are posing a danger to other people, right? So you are a risk to public health, not only to yourself, right? So this is not a centrist position. Similarly, their position with indigenous people, when there was a pandemic before, so instead of sending PPE and face masks and gloves, they send body bags to indigenous people. And their position towards minorities has always been... deteriorated. Has always been negative, right? Yeah. So this is... They could say they are centrist, but they are not really centrist. Okay, one-liner for the BC people or throughout Canada, what you want to say in one line that... You need their support. I would say that we have only one Canada and we cannot afford to lose it. Let us unite Canadians with Centrist Party of Canada. नाज़रीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो कि पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर हैं अख्तर शाह साहब जो कि प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुशर्रफ साहब के भी वकील हैं आइए हम उनका बगैर किसी वक्फे के हम बात करते हैं वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान अख्तर साहब बहुत शुक्रिया जी थैंक यू वेरी मच आपने मेरा तारुफ करा दिया लेकिन दोबारा फिर मैं कराता हूँ अख्तर शाह मेरा नाम है जी आई एम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह और जनरल मुशर्रफ का आई वाज इनफैक्ट आर्मी विद हिम एंड देन उसके बाद जो है उन्होंने मुझे ये ट्रस्ट किया कि मैं उनके केसेस को जो है वो देखूँ तो उसमें जो आपको भी पता है सारे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बड़े मशहूर केसेस थे तो उसको मैंने डील किया तो सिंस आज बात हो रही है पाकिस्तान के बारे में जी बिल्कुल तो मैं थोड़ी सी जनरल मुशर्रफ की भी बात करूंगा जनरल मुशर्रफ उस वक्त जब वो छोड़ के गए थे जब वो कह गए थे इस वक्त उस वक्त पाकिस्तान यूं जा रहा था जी बिल्कुल पाकिस्तान यूं जा रहा था जी नाज़रीन आपको उम्मीद है ये प्रोग्राम